यूपी सरकार के लिए कटाक्ष बोला जाता है। कहा जाता है कि दिल्ली सरकार की ट्रेन वाया लखनऊ जाती है, लेकिन बजट की मेहरबानी इस बार लखनऊ के साथ साथ मेरठ और गाजियाबाद की ट्रेन पर भी दिख रही है। दरअसल बीते 1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का बजट पेश किया, जिसमें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच आने वाली भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS के लिए 3,596 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। बता दें कि दिल्ली मेरठ RRTS एक सीमी हाई स्पीड रेल आधारित ट्रांजिट नेटवर्क है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी NCRTC कार्यान्वित कर रहा है। इसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, जिसमें से 14 किलोमीटर दिल्ली में है जबकि 68 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भीड़भाड़ कम करना है, साथ ही वाहनों के आवागमन और वायु प्रदूषण को भी कम करेगा। ये इस परियोजना का शिलान्यास 8 मार्च 2019 को किया गया था। जून 2019 में इसका सिविल निर्माण का काम शुरू हुआ। एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद RRTS ट्रेनों की डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दिल्ली मेरठ RRTS से 55 मिनट के बीच दो प्रमुख शहरों के बीच की दूरी को कवर किया जा सकेगा और इस कॉरिडोर में कुल 25 स्टेशन होंगे। कॉरिडोर पर रैपिड रेल को 2025 तक पूरी तरह ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इसके एक कोच में 75 यात्री बैठकर सफर कर पाएंगे और अधिकतम 400 यात्री सफर कर सकेंगे। आपातकालीन स्थिति में रैपिड ट्रेन से मरीज को स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाया जा सकेगा। एनर्जी की बचत करने के लिए रैपिड रेल में जरूरत के आधार पर चुनिंदा दरवाजों को खोलने के लिए पुश बटन भी होंगे, जिससे हर स्टेशन पर सभी दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं होगी। खास बात यह है कि इस बार केंद्र सरकार के आम बजट में पिछली बार के मुकाबले रेलवे को तकरीबन 2 गुना बजट मिला है, जिसमें यूपी के खाते में और खासतौर पर उत्तर मध्य रेलवे को एक बड़ा हिस्सा मिल सकता है। लेकिन बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश में संचालित रेलवे के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। जैसे भाषण में कहा गया है कि वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन के कोच रायबरेली में भी बनाए जाएंगे और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लखनऊ डिवीजन के 44 स्टेशन समेत प्रदेश के अन्य स्टेशन को रीडेवलप्ड किए जाएंगे। खैर, इस एपिसोड में इतना ही। हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।